चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3, और यहाँ से एक नया कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए पर्टिकुलर रेशियो। एक लाइन सेगमेंट हमको दिया जाएगा, ठीक है, और उसको बोला जाएगा कि एक डेफिनेट रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, यानी कुछ अपॉन कुछ में, ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, और इसमें हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड ए पॉइंट सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में हमको एक पॉइंट खोजना है सी। ये ऐसी जगह पर होना चाहिए कि ए से लेके सी 2 गुना हो जाए और ए से लेके बी 3 गुना हो जाए। सी ऐसे जगह पर होना चाहिए, समझ आया? इसको आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसी चीज़ का यूज़ करके आगे हम लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। इसी नॉलेज के बेसिस पर सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे, समझ आई बात? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, देखिए ए, ये कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं, समझे ना? जैसे समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। मान लो हमने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है, कितनी? 10 सेंटीमीटर, समझ आया? आप देखिए इसके कितने टुकड़े करेंगे ना, हमको इसको कितने रेशे में बांटना है, 2:3, यानी एक 2 गुना होगा और एक 3 गुना होगा एक टुकड़ा, समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए ना, एक ए से सी, एक ए बी, ए बी की लाइन मैंने पहले ही खींच दी क्योंकि उन्होंने ए बी ही बोला है बनाने के लिए, तो सी कहाँ पर आएगा? सी उस पार आएगा कि इसी पार आएगा इस लाइन में? हाँ, यही चीज़ आपको थोड़ा सा सीखना है ना, उस पार इस पार में आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सी कहाँ आएगा, ए और बी के बीच में इस लाइन में रहेगा, या मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाऊँ उस पार आएगा सी उसी लाइन में? इसको थोड़ा सा पहचानिए ना, ए से लेके सी 2 गुना होगा और ए से लेके बी 3 गुना होगा, तो ए बी आपके सामने दिख रहा है, ये 3 गुना है। अब 3 गुना है किस चीज़ का 3 गुना है, ये डिटेल लेक्चर हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में कर चुके हैं, ठीक है, मैं सिर्फ उसका अब रिजल्ट यहाँ पर कोट करूँगा, ठीक है। ए से लेके बी ये जो भी डिस्टेंस है इसी को हम क्या मानेंगे, ये 3 गुना है, तो 2 गुना फिर किसको बोलेंगे? हाँ, ये अगर ए बी अगर 3 गुना है और ए सी 2 गुना होना है, तो 3 गुना अगर इतना बड़ा है तो 2 गुना इतना बड़ा होगा, तो 2 गुना इतना बड़ा होगा, आया समझ? तो सी कहाँ होना चाहिए, बी के उस पार के बी के इस पार? इस पार, यानी ए और बी के बीच में उसी लाइन पर होना चाहिए। ये चीज समझ आया? आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा ना, देखिए 2 और 3 इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 5। टोटल हम 5 हिस्से करते हैं, 5 पार्ट, 5 पार्ट इसके हम डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इक्वल 5 पार्ट बना रहा हूँ ना, जैसे सपोज ये है 1 पार्ट, आपको नहीं बनाना है, आप पहले देखिए आराम से समझिए, उसके बाद फिर आप बनाएंगे। ये 2 और 3 टोटल 5 पार्ट करने हैं, 5 में से 2 एसी बन जाएगा और 3 हिस्सा कौन बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, सी तो हमको समझ में आता है कि इसके बीच में है, ए और बी के बीच में कहीं आएगा, तो इसको 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। टोटल हम कितने पार्ट बना लें, 3, 3 में से 2 पार्ट का नाम क्या रख देंगे, ए सी, और उधर बचेगा 1 पार्ट, तो ए से लेके सी कितना हो, ए से लेके बी कितना हो जाएगा, 3। देखो ए से लेके सी 2 पार्ट और सी से बी 1 पार्ट, तो ए से पूरा बी कितना, 3 पार्ट, समझ आ रहा है? तो इसके हम 3 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा ये, एक दूसरा टुकड़ा ये और तीसरा टुकड़ा ये, देखा? इक्वल 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, समझ आया? जैसे सपोज ए बी अगर हमारा 9 सेंटीमीटर है, कितना ले लें ए बी को, कितना ले रहे हैं हम, थोड़ा जोर से बोलिए, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके हमने 3 टुकड़े किए 9 सेंटीमीटर के, तो ये एक कितना आया, 1 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 टुकड़े बराबर बराबर हो गए 3-3 सेंटीमीटर के। अब ए सी कितना होगा, 2 टुकड़ा, 2 हिस्सा, 2 गुना
है ना, ये अगर इसके तीन बराबर बराबर हिस्से हमने कर दिए तो इस एक हिस्से को क्या कहेंगे, यही तो एक गुना है, एक गुना, ये एक गुना, ये एक गुना। तो ध्यान से देखो, ये एक गुना और ये एक गुना, दोनों मिला के देखना, एक गुना ये दो गुना, दो गुना ये हो गया, दो गुना हुआ। अच्छा, अगर ये दो गुना है तो ये कितना है, एक गुना। फिर से एक गुना, दो गुना, तीन गुना, देखा ए से लेके बी तीन गुना, तो एक गुना, दो गुना, दो गुना जो भी होगा उसको क्या बोल देंगे, ए सी। समझ आ रहा है? सो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट बनने वाला है, सी पॉइंट बनने वाला है। आया समझ में? तो देखो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, अगर मैंने 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ही दो गुना होगा, एक गुना कौन है 3 सेंटीमीटर, तो दो गुना कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना, थोड़ा समझिएगा तब मजा आएगा। और ये है एक गुना, लेकिन यहाँ का मेजरमेंट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से बी, तो ए से बी जाने में ये कितने गुना हो जाएगा, एक दो तीन, समझ आया? ठीक, तीन गुना। तो ये ऐसे बनने वाला, ये ऐसे बनने वाला है, यानी सी यहाँ पर आएगा। ये बात समझ आई, आया कि नहीं आया? ये मैं भी आपको मेजरमेंट समझा रहा हूँ कि सी कहाँ पर मिलने वाला है, और एक गुना दो गुना किसको बोलते हैं, समझ आया? अब बनाना कैसे है इसको देखिए। तो सबसे पहले हमने ए बी बनाया, ये दिस इज ए, दिस इज बी, समझ रहे हैं? सी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, दो गुना कहाँ पर होगा, एक गुना दो गुना, तो ए सी डबल हो गया, टू पार्ट, और ये एक पार्ट, लेकिन ए से बी कितना है, ये तीन हिस्सा, थ्री पार्ट, ठीक है? आप इसको बनाएंगे कैसे, सी को खोजेंगे कैसे, समझे ना, सी को खोजेंगे कैसे। सी को खोजने का तरीका देखिए, और यही तरीका हम लोग आगे सिमिलर ट्राइंगल बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं, सेम एग्जैक्ट यही मेथड, ठीक बात। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी दिस इज इक्वल टू 2/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी उधर भेजिए 2/3 ऑफ ए बी। ये चीज़ समझ आया? अब ये जो चीज़ यहाँ सामने दिखती है आपको 2/3, दिस इज स्केल फैक्टर, क्या चीज़ है ये, हाँ इसको ध्यान से पहचान लीजिए, ये आगे बार बार आपको परेशान करेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर आपको देखना आना चाहिए अच्छे से, ध्यान से देखिए, 2 इज न्यूमरेटर, 3 इज डिनोमिनेटर, 2 इज न्यूमरेटर, 3 इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला नंबर बड़ा, तो एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसा नंबर आता है, जीरो से कम नहीं आता बेटिया, 1 से कम आता है, जीरो से बड़ा ही रहेगा नंबर, जीरो से कम हो जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है? इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट कुछ रहेगा, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर मिलेगा आपको, समझ आया? दिस इज लेस देन 1, जब भी लेस देन 1 स्केल फैक्टर आता है, ये जो फिगर बनने वाला है ये ओरिजिनल से कैसा हो जाता है, छोटा, तो देखो ओरिजिनल है इतना बड़ा, तो नया जो बनेगा ये इतना छोटा हो गया, बड़े से छोटा हो गया, समझ आया? क्यों छोटा हो गया, क्योंकि स्केल फैक्टर कैसा है, 1 से छोटा, अगर ये 3 ऊपर होता 2 नीचे होता तो, हाँ तो फिर क्या आता, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.5 आता कि नहीं आता, ठीक, तो फिर क्या होता, तो फिर ये क्या बनता, ए सी ए बी से, क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से बड़ा आता, नीचे छोटा नंबर होता ऊपर बड़ा नंबर होता, तो स्केल फैक्टर 1 से बड़ा आता, तो ओरिजिनल पिक्चर से नया पिक्चर कैसा बनता, बड़ा बनता, तो ए सी का लेंथ फिर ए बी से क्या हो जाता, बड़ा। और ये आपका इसके बाद वाला एग्जाम्पल में आएगा, वो इसी को पलटेंगे, 3/2 करेंगे, तो कहानी समझ आ रही है? जब ये छोटा है तो ए सी कहाँ मिलेगा, ए बी से छोटा मिलेगा, तो सी अंदर आएगा ए और बी के बीच में, और जब ये पलट जाएगा तो सी कहाँ भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा, तो हमको लाइन को और लंबा करना पड़ेगा, वो ए सी बनेगा। आया यहाँ तक समझ? ठीक, ये समझ गए स्केल फैक्टर। आप देखो करना क्या है, करना ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच ली ए बी, स्ट्रेट लाइन जो हमको बोला गया, लाइन सेगमेंट बना लिया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, इसके स्टेप भी हम लोग लिखते चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप,
ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट हमने ए बी बना ली, समझ आया, कोई भी मेजरमेंट का कितना भी, ठीक है, बना लिए एनी मेजरमेंट। नाउ अब देखिए इस लाइन के हमको दो टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े, दो टुकड़े, उस दो टुकड़े में से एक टुकड़ा दो गुना होना चाहिए और एक टुकड़ा तीन गुना, क्योंकि टुकड़ा हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं सामने से, ठीक है ना, ये मीनिंग समझ गए आप। चलिए आप इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्यूट एंगल बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, एक्यूट एंगल बना लेंगे, क्यों बनाते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, लेस देन 90, सो दिस एंगल इज लेस देन 90, है ना। तो जो बेस आपने बनाया है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट आपने खींचा है उसी को बेस मानते हुए, एक एंगल का साइड मानते हुए आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जो 90 से छोटा है। इसको आप यहाँ 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 तक बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा कहीं भी बना सकते हैं आप, समझ आया, 90 से छोटा कहीं पर भी बना लीजिए, ये ऐसे नहीं बनाएंगे 90 डिग्री, इससे इसी पार होना चाहिए कहीं पर भी, चाहे यहीं बना लो सटा के, दूर बना लो, इतना एरिया आपके पास खाली है, बन गया एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए एक्यूट एंगल बनाने के बाद हमको क्या करना है, ए इसको देखना है ध्यान से, स्केल फैक्टर को, किसको देखना है, ये डिवाइड करने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा हमेशा स्केल फैक्टर से बनेगा, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर में आपको दो चीज़ें देखनी है, कितनी चीज़ें, दो चीज़ें, पहली चीज़ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे वो नीचे लिखा हो, ऊपर नीचे में से ये स्टोरी आपसे बन जाएगी कि ओरिजिनल फिगर बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें पहचानिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2 की 3, 3, तो चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे वो नीचे लिखा हो, आपका पहला कर्तव्य क्या है, बड़ा नंबर खोजना, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा मिला, 3, ये डिपेंड नहीं करता कि वो नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है, कहीं भी लिखा हो, समझ आई बात, बड़ा नंबर खोज लिए, 3 मिल गया, जैसे ही बड़ा नंबर मिल जाए, 3 मिला ना, 3, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल वाली लाइन हमने बनाई है इसमें हम 3 आर्क काटेंगे इक्वल इक्वल लेंथ के, कितने आर्क, तो अब आप अपना कंपास उठाएंगे, कोई भी अपने मन का एक रेडियस सेट करेंगे कंपास में, ए को सेंटर बनाएंगे और ए एक्स में 3 आर्क काटना शुरू कर देंगे, समझ आया। सपोज हमने इतना लिया मेरे फिगर के हिसाब से, ये एक आर्क, जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर दूसरा आर्क, उतने ही डिस्टेंस पर तीसरा आर्क, ये 3 आर्क हमने काटा, इसका नॉमनक्लेचर हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया A1, A2, A3, ठीक है ना, कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ एतराज नहीं मुझे, आपकी जो मर्जी जो आपको पसंद हो वो नाम आप रख लीजिए इसके, ठीक है। हाँ, A से A1 जितना बड़ा होगा, A1 से A2 उतना ही होगा, A2 से A3 उतना ही होगा, समझ आया, ठीक। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, बोलिए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल या ड्रॉ ए रे ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ ए रे ए एक्स विच मेक एक्यूट एंगल विथ ए बी, ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने क्या किया, 3 आर्क काटे इक्वल आर्क, ठीक है, इक्वल आर्क बोल दिए तो रेडियस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आर्क इक्वल मतलब रेडियस सेम है, फ्रॉम पॉइंट है ड्रॉ 3 इक्वल आर्क ऑन ए एक्स A1 A2 A3 सच दैट, और ऐसे बनाना है कि A से लेके A1 जितना हो, A1 से A2 उतना ही बड़ा और A2 से A3 उतना ही बड़ा,
तीनों आर्क के बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये समझ आया? ये समझ आया? ठीक। उसके बाद देखिए क्या करना है ना, अब यहीं पे असली खेल आता है, आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए। समझ आया? क्योंकि यहीं से अब इसके क्वेश्चन अलग मोड़ लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपका नॉलेज काम में आएगा कि स्केल फैक्टर देख के आपको पहचान में आता है कि बनने वाला फिगर बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। यहीं पर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। समझ आया? देखिए हमारा ओरिजिनल पिक्चर कौन है? ए बी। दिस इज गिवन लाइन सेगमेंट, ओरिजिनल पिक्चर ए बी। हमको बनाना क्या है? ए सी। ए सी बनाना है तो ये नया पिक्चर है, ये रहा ओरिजिनल पिक्चर, ये रहा नया पिक्चर। नया पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर से बड़ा बनेगा कि छोटा? छोटा। क्यों जान रहे हैं आप छोटा बनेगा? क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से छोटा है। समझ आया? इसलिए ये छोटा बनेगा। समझ गए ना? तो अब ये रहा ए बी, सी मुझे इसके अंदर चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन आर्क जो हमने काटे, ठीक, इसमें से आखिरी वाले को इस आखिरी एंड पॉइंट से हम स्केल रख के मिला देंगे और ये फिगर हो गया पैक। ये है ओरिजिनल फिगर। समझ आया? ओरिजिनल। तो स्केल रखिए, ए थ्री को बी से मिला दीजिए स्केल रख के, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट बन गया जॉइन ए थ्री बी, ठीक है। यहां तक समझ आया? बोलिए, यहां तक समझ आया? हाँ। अब देखिए ना, तीसरे वाले को हमने लास्ट से मिला दिया, कौन बचा अब? दूसरा। ये असल में क्या किया हमने, देखिए ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, बराबर बराबर टुकड़े हैं, बराबर बराबर टुकड़े हैं ना। इस लाइन में टोटल कितने टुकड़े किए हमने? तीन, एक दो तीन, ठीक है। इसमें से ये एक गुना, ये दो गुना, ये दो गुना हो गया और ये एक गुना, तो यहाँ से यहाँ तक दो गुना है, टू पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? तीन गुना, तीन पार्ट। समझ आया? अब हम क्या करें कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ले जाऊँ इसके पैरेलल, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना थोड़ा सा ना। देखिए दिस इज ए ट्राइंगल, अभी ये क्या बन चुका है? ट्राइंगल बन चुका है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ले जाऊँ इसके पैरेलल, ध्यान से समझिएगा, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से मैं ऐसे ले करके जा रहा हूँ, मुझे पहले से पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एक ट्राइंगल में, ध्यान से सुनिए, एक ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी चले जो एक साइड से पैरेलल होकर के चले तो बाकी के दो साइड को वो क्या करती है? सेम रेशियो में बांट देती है। ये चीज समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब हमने चलाकी क्या की है कि ये वाली साइड जो है ट्राइंगल की, इसको पहले से ही तीन टुकड़े में हमने डिवाइड कर दिया है, समझे ना। हमने चलाकी क्या की है, इसको पहले से ही तीन टुकड़े में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहां से ऐसी जगह से लाइन लेकर के जाऊंगा, ध्यान से समझना, ये पहले से मैंने कितने टुकड़े बनाए इसके? तीन, एक दो तीन हो गया, ये एक गुना, ये दो गुना, ये तीन गुना। अब मैं पहले से यहां से ऐसी जगह से लाइन लेके जाऊंगा इसके पैरेलल जो कितने गुना हो? दो गुना। तो यहां से मैं एक लाइन ऐसे पैरेलल ले गया इसके, ठीक बात। तो इस पर थेल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो गया, हुआ कि नहीं? एक ट्राइंगल में एक लाइन तीसरे साइड से पैरेलल होकर के जाती है तो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर जाती है। ये चीज हमको मालूम है, मालूम है ना। सो इफ दिस टू लाइन आर पैरेलल, ये इसका नाम जो भी हम आगे रख लेते हैं, दिस टू लाइन आर पैरेलल, देन दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो आर इक्वल। जो भी रेशियो हम लेंगे वो इक्वल हो जाएगा। अब यहां देखिए, मैं वहां नाम नहीं लिखना चाहता, यहीं पर बना रहा हूं। अभी आप नहीं बनाएंगे ना, मैं आपको पहले बता दूं फिर आप बनाइएगा। हमको क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ले जाना है। ले गए तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई भाई? पैरेलल। लाइन पैरेलल कैसे बनाते हैं? एंगल इक्वल करके। आपने सीख लिया है तो हमको ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर इस एंगल को बनाना है। कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, इस पर हम थोड़ी देर से आते हैं, लेकिन होने क्या वाला है वो समझिए पहले आप। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, हो गई ना, और ये क्या बन चुका था? ट्राइंगल। क्या बन चुका था? ट्राइंगल के ये दो साइड हैं, एक साइड ये, एक साइड ये। हमने चलाकी ये की थी कि एक साइड को बढ़िया इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए थे, तो ये है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। मैं जानबूझ के ऐसी जगह से लाइन लेके जाऊंगा जो कितने गुना है? दो गुना।
समझ आया? और ये कितने गुना है? तीन गुना, समझ आया ना? अब जब एक पैरेलल लाइन एक साइड से पैरेलल होकर के जाती है तो बाकी के दो साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल रेशियो में बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा? मुझे क्या चाहिए? ऊपर दो गुना, नीचे क्या चाहिए? तीन गुना। तो जरा देखिए, ए ए टू दो गुना है कि नहीं? ए ए टू है दो गुना। अच्छा, इसके नीचे मैं ले लूं बड़े वाले ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल एक छोटा ले रहा हूं, देखना ए ए टू, इसका नाम हम सी रखेंगे, ए ए टू सी छोटा ट्राइंगल, ए ए थ्री बी बड़ा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं? सिमिलर हो चुके हैं थेल्स थ्योरम से। अच्छा, ए ए टू तो बड़े ट्राइंगल का भी यही करस्पॉन्डिंग होगा ए ए थ्री, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मुझे दो गुना और तीन गुना का रेशियो चाहिए, समझे? अच्छा, इधर हमने इस साइड का रेशियो लिया तो इस तरफ कौन से साइड का लेंगे? ये वाले का। इधर कैसे लिए हैं? ए ए टू, तो इधर भी कैसे लेंगे? ए सी अपॉन ए बी, समझ आया? अब बताइए ए ए टू कितने गुना है? एक दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो गुना। ए ए थ्री कितने गुना है? वन टू थ्री, तो ये तीन गुना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तीन गुना। अब ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर हो गया? टू अपॉन थ्री के, तो ये भी दो गुना, ये भी तीन गुना हो गया, प्रूव हो गया। ये समझ में आया? तो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा के एक साइड को डिवाइड कर लेते हैं कंपास की हेल्प से, और हम जानते हैं कि अगर हम पैरेलल लाइन ले गए तीसरे साइड से तो बाकी के दो साइड इक्वल रेशियो में बटेंगे। तो जिसको हमने डिवाइड किया है उसका जैसा रेशियो हम लेंगे दूसरा वाला वैसे ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, उसका रेशियो भी उतना ही हो जाएगा, समझ आया? तो हम जानबूझ के इसका रेशियो वो लेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जो गिवन लाइन होगी वो भी उसी रेशियो में आ जाएगी। बात समझे कि नहीं? ये है असली फंडा। आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमको करना ऐसे है कि यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ये ठीक है, यहां तक पहुंच चुके ना। अब हमको क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन लेकर के जानी है, इसको ज्वाइन कर चुके, एक पैरेलल लाइन हमको ए टू से ले जानी है। पैरेलल लाइन कैसे जाएगी? तो आंसर है एंगल इक्वल कर दें, लाइन पैरेलल हो जाती है। एंगल इक्वल करने का तरीका, इसको सेंटर माने, अपने कंपास में कोई भी एक रेडियस ले लिए अपने मर्जी का, ठीक है, और यहां रख करके एक आर्क ऐसे कट किए, कहां रख के? ए थ्री पे, समझ आया? सेम रेडियस के साथ आप यहां रखेंगे ए टू में, और यहां रख के भी वैसे ही आर्क कट करेंगे जिस रेडियस से आपने यहां बनाया था, समझ आया? आया कि नहीं आया? अब एंगल कौन है? आंसर है ये गैप है। तो अब आप कंपास को यहां रखेंगे और पेंसिल को फैला के यहां तक ले जाएंगे, ये गैप नाप लिया कंपास में, दिस इज एंगल। सेम कंपास को यहां रख करके ये आर कट कर देंगे ऐसे, ए ऐसे, समझ आया? आया, तो ये एंगल यहां आ गया। अब आप इसको जॉइन करके ऐसे मिला देंगे ये, ठीक है, और जहां पर ये काटेगा ए बी को उसका नाम सी रख देंगे, समझे कि नहीं समझे? समझे ना? इसको हमने ऐसे जॉइन करके मिला दिया, ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल। और अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगेगा, इस साइड का जितना रेशियो आप लेंगे ये वाला साइड का रेशियो भी उतना ही हो जाएगा, और इसको तो हम ही बना रहे हैं एक गुना दो गुना तीन गुना, तो जैसा हमको डिजायर्ड क्वांटिटी में चाहिए होगा वो हम बना लेंगे। बात समझ में आया? तो सी देखिए कहाँ मिला, यही मिला बी के नज़दीक, ये देखिए ये एक गुना, ये दो गुना, ये तीन गुना, समझ आया? तो ए से लेके सी ये डबल लेंथ दिख रही है आपको दुगनी, और ये एक गुना दिख रहा है, ये एक गुना है, देखिए एक गुना, ये दो गुना, ये एक गुना, समझ आया? तो ए से सी डबल हो गया और ए से बी ट्रिपल हो गया, तीन गुना हो गया, ठीक है कि नहीं है? ये पैरेलल लाइन बनाना आ जाएगा, बस यही कमाल है इसमें, पैरेलल लाइन बनाना आपको आना चाहिए कंपास से, ठीक है। अच्छा, हमने अभी ए थ्री बी ज्वाइन किया, उसके बाद क्या किया? पांचवा स्टेप, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू, किसके पैरेलल? ए थ्री बी के पैरेलल, ठीक है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए थ्री बी, समझ आ रहा है? और कहां से बनाना है? ए टू से बनाना है, ठीक है, समझ आ रहा है?
हाँ, जब ए टू से हम पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी. समझ आया कि नहीं आया? आया ना. तो आप ए सी और ए बी किस रेशियो में बट गए हैं? जिस रेशियो में ए ए टू और ए ए थ्री बटे हुए थे, क्योंकि ट्राइंगल हो गया है सिमिलर. समझे कि नहीं समझे? क्यों सिमिलर है कोई बता सकता है मुझे? दोनों ट्राइंगल क्यों सिमिलर होंगे? देखिए ए सी ए टू, ये ए बी ए थ्री, ये बड़ा वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो मतलब क्या? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे बोलिए जल्दी से. डबल ए क्राइटेरिया सोचो ना भाई, दो एंगल नहीं दिख रहे. एक एंगल ए दोनों में आ रहा था. छोटे ट्राइंगल में भी एंगल ए है, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल ए है कि नहीं? एक एंगल हमको इक्वल बनाना था, इसीलिए तो पैरेलल लाइन लेके गए हैं. तो थेल्स थ्योरम भी लग गया, सिमिलर भी हो गया. ये हमने एंगल इक्वल कर लिया, तो एक ये बराबर हो गए, एक एंगल ए कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. तो अब सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं? हो गया ना. हाँ, ये हो गया इसका कंक्लूजन. सो ए सी ए सी इज टू ए बी इज इक्वल टू 2:3. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है ना? ए सी या ए बी इज डिवाइडेड इन अ गिवन सिचुएशन, इन ए गिवन रेशियो. समझ गए? ये आप इसका प्रूफ देखिए. प्रूफ हर चीज के साथ आप लोग जस्टिफिकेशन देंगे. यहां से जो ट्राइंगल के क्वेश्चन शुरू होंगे इसके बाद, तो हर क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन देना है कि कैसे आ गया. समझ आए ना? आप इसको नाप के भी देख सकते हैं. मैंने बोला था ए बी कितना लेना है आपको, कितना लेके बनाया आपने? मेजरमेंट लिया कि नहीं लिया? बिना मेजरमेंट बनाया. ओके, कोई बात नहीं. आप क्या करिए, जो भी लेंथ आपने बनाया उसको मेजर करिए स्केल से. जो भी लेंथ आपने ड्रॉ की है उसको स्केल से मेजर करिए जल्दी से, और उसको साइड में लिखिए पेंसिल से. और कोई एक मुझे बताओ अपना एग्जांपल, कितना लिए हो? 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है. ओके, आपने बनाया 6 सेंटीमीटर का ए बी. ठीक है ना? बाकी लोगों का जितना जितना आ रहा है अपना अपना मेजरमेंट लिखो. जिसका 7 आ रहा है 7 लिख लो, 3.2 आ रहा है वो लिख लो, 6.3 आ रहा है वो लिख लो, जो भी बनाए हो साइड में लिख लिए. आप इसके कितने टुकड़े कर दें हम लोग? हमको ये जानना है एक गुना कितना होता है, तो कितने टुकड़े करें? कितने टुकड़े करने हैं टोटल? हमको ये तीन हिस्से करने हैं ना, तो टोटल तीन हिस्से कर देते हैं. तो 3 से डिवाइड कर दिए इसको, तो कितना आया? एक गुना. कितने सेंटीमीटर का बना? 2 सेंटीमीटर को एक गुना बोलेंगे. तो अब आप ए से लेके सी नापिए, ये दुगना होना चाहिए, डबल होना चाहिए. तो एक गुना अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुना कितने सेंटीमीटर होगा? 4. तो ए से लेके सी का मेजरमेंट कितना आना चाहिए आपके लिए? 4 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर होगा. नाप के देखिए. आप लोग समझे आपका क्या है, कितना है आपका? 6.7. ठीक है, आपका है 6.7. तीन टुकड़े करते हैं तो ये कितना आएगा? दिस इज 2.23 जा 6. ओ ना, 3 2 जा 6, 1 बचा ना, 0 लगा लेते हैं. 3 3 जा 9, अप्रॉक्सीमेटली 2.24. आगे और जाएगा डिवाइड होके, है ना? तो इसको हम राउंड ऑफ करके 2.24 कर देते हैं. ये आया एक गुना. कितने गुना? एक गुना. तो एसी तो दुगनी होनी है, डबल, 2 गुना. तो इसको हम डबल कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? दिस इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4.48, यानी लगभग 4.5 सेंटीमीटर एसी होगा. नापो, ए से लेके सी नापिए, 4.5 है कि नहीं? लगभग. जिसका 6.7 था ए बी, उसका ए सी कितना होगा? 4.5. नापिए, नापो 6.7 वाले जल्दी से. कितना है? 4.48, अप्रॉक्सीमेटली 4.5.
है, आएगा, तो ये डिवाइड हो गया ना एसी दो हिस्से में, ये एक हिस्से में, ठीक है ना कि नहीं है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए आप लोग हेडिंग देंगे जस्टिफिकेशन, ठीक है, जस्टिफिकेशन। और यहाँ पर देखिए आप लोग बताएंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्या हैं, सिमिलर। सबसे पहले ट्राइंगल ए सी ए टू, दिस इज ए टू एंड ए बी ए थ्री, ठीक है, इसमें एंगल ए, एंगल ए कॉमन, उसके बाद एंगल ए टू, एंगल ए थ्री बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन करके इक्वल किया, ठीक है। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, डबल ए क्राइटेरिया लगा, सिमिलर हो गया। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो क्या फायदा है हमको, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ रेशियो ले रहा हूँ, देखिए मुझे कैसा रेशियो लेना है, आप जो क्वेश्चन में रहेगा वैसा रेशियो लेना है। अगर यहाँ रहेगा 3/2, 3:2, तो पहले आपको तीन गुना लेना। पर नंबर 4 देखिए, सेम क्वेश्चन है, खाली स्केल फैक्टर को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। एक गिवन लाइन सेगमेंट है, सपोज गिवन लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज गिवन लाइन सेगमेंट। जब आप बनाएंगे ना तो कोई एक मेजरमेंट लेके बनाइए अपने मन में, 6 सेंटीमीटर बना लो, 5 सेंटीमीटर बना लो, समझ आ रहा है, अपने हिसाब से उसको बना लीजिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विच इज 3/2 ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट, ये गिवन लाइन सेगमेंट है ए बी। आपको जो नया लाइन सेगमेंट बनाना है वो कैसी होनी चाहिए, इससे 3/2 टाइम्स होनी चाहिए, 3/2 टाइम्स मतलब डेढ़ गुना बड़ी, या इसको ऐसे समझिए, ठीक है। एक हम फिर से सी पॉइंट खोजेंगे, कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट ना, सपोज दिस इज ए बी और हमको ए सी लेना है, दिस इज ए सी एस टू ए बी, कितना लेना है आपकी बार हमको, 3/2, समझ में आया, ये आया, सेम पिछले क्वेश्चन को ही मैं ऐसे बना रहा हूँ, अब की बार हमारा स्केल फैक्टर चेंज हो गया, ए सी अपॉन ए बी 3/2, या इसी को हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए बी, यानी अब जो ए सी बनेगी वो कैसी बनेगी, ए बी से बड़ी बनेगी, क्योंकि इसका डिवीज़न कैसा आता है, 1 से बड़ा स्केल फैक्टर का, आया समझ कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ देखिए, इसको देखिए, ए सी कितना होना चाहिए, 3 गुना, और ए बी कितना होना चाहिए, 2 गुना, तो ये ए बी है, ये 2 गुना है, इसके 2 हिस्से कर दो बराबर बराबर, ए ये 1 गुना, ये 2 गुना, तो तीसरा गुना इधर कहीं होगा, ऐसे ये लाइन और आगे बढ़ेगी, और जितना ये है 1, 2, ये 3, यहाँ पर कहीं पर सी आपको मिलेगा, ये बात समझे कि नहीं समझे, ये समझ में आ रहा है आपको कैसे इसको सोच रहे हैं। ए सी और ए बी 3:2 के रेशियो में होना चाहिए, आप सी ए बी के बीच में मिलेगा या बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा, क्योंकि अब की बार ए सी कैसा है, 3 गुना, और ए बी कैसा है, 2 गुना, 2 गुना छोटा होता है, 3 गुना बड़ा होता है, इसलिए सी को बाहर जाना पड़ेगा, समझे। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोग बना रहे थे, ठीक है। पहली चीज, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ध्यान से समझिए ना। सबसे पहली चीज, एक हमने लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी, देखिएगा ना, दिस इज ए, दिस इज बी, हमको पता है सी आगे मिलने वाला है, समझे ना। स्केल फैक्टर देख के आप समझ जाएंगे कि नया वाला पिक्चर ओरिजिनल से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, समझ गए इस चीज को, समझे ना, ठीक। फिर हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, एक्यूट एंगल बना लिया ए एक्स, ये रहा एक्यूट एंगल, बन गया, बन गया कि नहीं बना, बन गया ना। उसके बाद फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इसके बाद इन दोनों में से बड़ा कौन है, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, कौन है बड़ा, 3, तो हम 3 आर्क काटेंगे,
अगर पांच होता तो कितने आर्क काटते? पांच, ठीक। तो इक्वल इक्वल तीन आर्क काट लो, जैसे एक आर्क ये एक, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तीन आर्क हमने काट लिए, तीनों के नाम रख दिए ए वन ए टू ए थ्री, समझे कि नहीं समझे? हाँ, आप आया असली खेल का टर्निंग पॉइंट, मोड़ आया। आप यहाँ पर आपको निर्णय लेना है, स्केल फैक्टर देख के समझना है। ध्यान से देखिए, स्केल फैक्टर की वैल्यू वन से बड़ी तो जो नया पिक्चर बनेगा वो ओरिजिनल से बड़ा, ओरिजिनल ये है और नया पिक्चर आगे बनना है, ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए पहले से। अगर मैं इस लास्ट वाले को इससे जोड़ दूँ, लास्ट वाले को इससे जोड़ दूँ, तो आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम लास्ट वाले को इससे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको आगे पिक्चर बनाना है, समझे? तो फिर किससे जोड़ेंगे, कौन बचा? अगर थर्ड को मैं लास्ट से नहीं अटैच कर सकता तो कौन बचा? टू। तो फिर हम टू को इस आखिरी से अटैच कर देंगे, ये खाली हो जाएगा तो ये बाहर जाने के काम में आ जाएगा पैरेलल लाइन बन के। तो अब हमको किसको ज्वाइन करना है? ये, इसको डायरेक्ट स्केल से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ज्वाइन ए टू बी, समझ आया? ये समझ में आ रहा है? ये स्केल फैक्टर देख के आपको समझना है कि पिक्चर बड़ा बनने वाला है कि छोटा। अगर बड़ा बनेगा तो आखिरी वाले को आप इससे नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज आपके पास आगे कोई मटेरियल नहीं रहेगा आगे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो इसको खाली बचा लिया, अब ये खाली हो गया, यहां से हमको क्या करना है? पैरेलल लाइन ले जाना है। किसके? इसके पैरेलल। कैसे बनाओगे पैरेलल? पैरेलल बनाना आता है ना, ये वाला एंगल। तो इसको सेंटर लीजिए, कंपास में कोई रेडियस लीजिए, यहां रख के एक आर्क कट करिए, सेम रेडियस के साथ यहां रख करके सेम आर्क कट करिए, सेम रेडियस के साथ, हो गया। उसके बाद आप इस गैप को नापेंगे, ये आ गया एंगल आपके कंपास में, इसी एंगल को यहां पर रख करके कट कर देंगे ऐसे, और इनको ऐसे मिला देंगे। ये ए बी वाली लाइन जो आगे एक्सटेंड हुई है उसको यहां पर काटेगा सी पॉइंट पर। ये दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी हैं, मेरा ना दिखे कोई बात नहीं, आप एग्जैक्ट बनाएंगे, आपका दिखना चाहिए, समझ आया? ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं, तो दोनों ट्रायंगल छोटे बड़े क्या हो चुके हैं? थेल्स थ्योरम से, ये चीज समझ में आ रहा है ना? दिस इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एक लाइन थर्ड साइड से अगर पैरेलल होके जाती है तो बाकी की दो साइड को क्या कर जाती है? सेम रेशियो में डिवाइड कर जाती है। तो इसका रेशियो अब आपको लेना कैसे है? देखिए, हमको क्या चाहिए ऊपर में? तीन गुना वाला, ये है एक गुना, दो गुना, तीन गुना। तो अब आप क्या लेंगे ऊपर? ए ए थ्री। नीचे क्या लेना है? दो गुना। कौन है दो गुना? एक गुना, दो गुना, ए ए टू, समझ रहे हैं? इसी तरह से ये भी बढ़ जाएगा उसी रेशियो में, समझे ना? वहां क्या सुधारेंगे आप? इसको हमने ज्वाइन किया, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम ए थ्री टू ए टू बी, ए टू बी के जैसे पैरेलल लाइन हमको बनानी है, विच इंटरसेक्ट ए बी, नहीं एक्सटेंशन ऑफ ए बी, ए बी आगे बढ़ गई, विच इंटरसेक्ट एक्सटेंशन ऑफ ए बी, यहां पर बढ़ा लीजिएगा शब्द, एक्सटेंशन ऑफ ए बी एट पॉइंट सी, एक्सटेंशन मतलब आगे बढ़ा देना, ठीक है, ठीक है। अब ए सी इज टू ए बी कितना हो गया? थ्री इज टू टू, और इसका जस्टिफिकेशन देखिए, ये ठीक है, ये ठीक बना है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई भी ट्राइंगल छोटा बड़ा पहले बाद में लेके आप बना सकते हैं। दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यहाँ तक समझ आया? इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, अभी हमको रेशियो कैसा चाहिए? हमको रेशियो कैसा चाहिए? हाँ ठीक है ना, ऊपर तीन गुना और नीचे दो गुना, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, तीन गुना वाला कौन है? ए ए थ्री, तो पहले हम लिखेंगे ए ए थ्री अपॉन अपॉन, या अगर आप यहाँ पहले छोटा ट्राइंगल लिख रहे हैं तो छोटे ट्राइंगल का डाटा लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में उसको पलटा देंगे, समझे ना? चलो ए ए थ्री अपॉन ए ए टू इज इक्वल टू ऊपर ए सी अपॉन ए बी, ये कितना है? तीन गुना, ये कितना है? दो गुना, सो ए सी अपॉन ए बी आ गया ना, थ्री अपॉन टू आ गया, ए सी अपॉन ए पी थ्री अपॉन टू, समझ आया? ये है इसका जस्टिफिकेशन, बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा ना? अच्छा, आप इसका यूज करके हम लोग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए ना, पेज नंबर
312 में यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पेज नंबर 312 मिला आपको बुक में, देखिए पेज नंबर 312 दिख गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दिखा दिखा। उसमें आगे दिया है कंस्ट्रक्शन नंबर 4, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड हुज साइड्स आर 3/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्राइंगल ए बी सी। सेम यही क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज जो आने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 2, दो पेज पलटिए, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 316, पहला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए सिमिलर ट्राइंगल विच इज 3/5 ऑफ द गिवन ट्राइंगल, सेम वही क्वेश्चन है, स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है 3/5, दो पेज पीछे कितना दिया हुआ है 3/5, तो है वही चीज। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग एक्सरसाइज में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, समझ आया। मैं इसकी शुरुआत करता हूं सिमिलर ट्राइंगल की एग्जाम्पल नंबर 5 से, इसका उल्टा स्केल फैक्टर जो है, एग्जाम्पल नंबर 5 ये नोट करें आप जल्दी से,